please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. Hello students and friends, myself Dr. Abhishek Maheshwari. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लीवरेज क्या होता है, कि लीवरेज का यूज करके किस तरह से कंपनी अपने ईपीएस को, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में डिस्कस किया था केवल, कि किस तरह से कंपनी अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज करके अपने ईबीआईटी को इंक्रीज कर सकती है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज को। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने अगर अभी तक फाइनेंशियल लीवरेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो उन्हें देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो देखिए, जो हमारा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के अंदर जो रिलेशनशिप होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। और ईबीआईटी के अंदर और पीबीटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे कहा जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये हुआ, अगर किसी कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, बॉन्ड इशू कर रखे हैं, यानी कंपनी ने ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है वो जिसपे कि उसको फिक्स इंटरेस्ट देना है, तो इसका मतलब कि कंपनी फाइनेंशियली लिवरेज है। अगर कंपनी केवल इक्विटी शेयर्स पे काम करती है, कोई लोन नहीं, कोई डिबेंचर नहीं, तो ऐसी कंपनी को कहा जाएगा अनलिवर्ड कंपनी, यानी वो अनलिवर्ड है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करके किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकती है, अपने ईपीएस को बढ़ा सकती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ा सकती है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि ज्यादा लोन लेने से, हायर लोन्स लेने से कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ता है, हायर द फाइनेंशियल लीवरेज, हायर द प्रॉफिट्स बट हायर द रिस्क, उसका रिस्क भी बढ़ता है। मतलब कि अगर कंपनी हाईली लीवरेड, हायर फाइनेंशियल लीवरेज, इसका मतलब क्या हुआ, हायर द प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे बट हायर द रिस्क, रिस्क भी बढ़ेगा। रिस्क इसलिए बढ़ेगा कि ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होने की वजह से जब तक आपकी कंपनी बढ़िया चल रही है, सेल्स खूब हो रही है, जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन अगर आपकी सेल्स डाउन हुई तो उस केस में क्या होगा, ये एक नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, यानी आपके जो प्रॉफिट्स पहले ज्यादा आ रहे थे वो उल्टा और कम हो जाएंगे। तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिस्क कहीं ना कहीं हमारे सॉल्वेंसी रिस्क को भी बताता है कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को पे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज इसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी यूज किया था, कि ये सेल्स है कंपनी की 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 6,000, कंट्रीब्यूशन 4,000, फिक्स कॉस्ट है 2,000, ईबीआईटी 2,000, इंटरेस्ट 1,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000, माइनस टैक्स एट द रेट 30% 300 रुपीज, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 700 रुपीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड पीबीटी। क्योंकि देखिए, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो तरह की फिक्स कॉस्ट है हमारी, ये है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लीवरेज किससे निकलेगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से निकलेगा, यानी इंटरेस्ट से। तो हमारा जो फार्मूला होगा फाइनेंशियल लीवरेज का वो क्या होगा, वो होगा हमारा फार्मूला ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस विल बी आवर फार्मूला। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 2000 अपॉन 1000, यानी 2, यानी फाइनेंशियल लीवरेज 2। तो फाइनेंशियल लीवरेज 2 क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आप, यानी रिलेशनशिप डबल की बता रहा है, इट मींस कि अगर आपका ईबीआईटी 1% बढ़ेगा तो आपका पीबीटी 2% बढ़ेगा, यानी अगर आपका जो ईबीआईटी है ये 10% बढ़ेगा तो पीबीटी 20% बढ़ेगा, इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन इसका ऑपोजिट भी होगा कि अगर आपका जो ईबीआईटी है वो 10% डाउन होता है तो पीबीटी 20% डाउन हो जाएगा। तो इसको भी हम एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, और इसका एक फॉर्मूला और है, वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सपोज हम ये मान के चलते हैं कि 20% अगर हम मान के चले हमारी सेल्स बढ़ गई, तो सेल्स अगर 20% बढ़ती है तो सेल्स कितनी हो गई हमारी बढ़ के 12,000 रुपीज, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% बढ़ जाएगी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स पे डिपेंड होती है, तो ये हो गई हमारी 7,200। तो हमारा कंट्रीब्यूशन
ये भी 20% बढ़ गया, ये आ गया हमारा 4800। और इसमें से इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी सॉरी फिक्स कॉस्ट विल बी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपका जो इंटरेस्ट है तो ये ईबीआईटी आ गया, उसके बाद में इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस नो चेंज यहां पर, और यहां पर भी नो चेंज है। और ये आपका हमारा कितना बढ़ गया, ये हमारा बढ़ गया था 40%। अब ये आ गया हमारा 1800 पीबीटी, तो पीबीटी पहले 1000 था, अब बढ़ के 1800 हो गया, यानी कितने परसेंट का चेंज आ गया इसके अंदर, 80% का चेंज आ गया। और टैक्स होगा 1800 का 30%, यानी 540, इसमें कितने परसेंट का चेंज आ गया, 80% का चेंज आ गया। और इसको माइनस करके जो बच गया हमारा, ये बच गया 1260, तो इसका चेंज भी अगर आप देखेंगे तो 80% आएगा। 80% कैसे आएगा, 1260 माइनस 700 हो गया 560, तो 560 डिवाइड बाय 700 इंटू 100 कर दीजिए तो 80% आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ईबीआईटी 40% बढ़ता है, तो जैसे कि FL2 था, तो यानी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बढ़ेगा, वो 80% बढ़ जाएगा। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का, वो है परसेंटेज चेंज इन पीबीटी। अब आप चाहे आप पीबीटी लीजिए, चाहे ईएटी लीजिए, या ईपीएस लीजिए, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में जो चेंज आएगा वो सेम ही आएगा। अगर यहां पीबीटी 80% इंक्रीज हुआ है तो टैक्स भी 80% इंक्रीज होगा, पीएटी भी 80% इंक्रीज होगा, ईपीएस भी 80% इंक्रीज होगा। तो आप परसेंटेज चेंज इन पीबीटी भी ले सकते हैं, पीएटी भी ले सकते हैं, आप ईपीएस भी ले सकते हैं, किसी को भी ले लीजिए, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो परसेंटेज चेंज हमने निकाला यहां पर कितना आया था, 80% आ रहा था, और डिवाइडेड बाय ईबीआईटी में कितना चेंज था, 40% था, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने आ गए, सिर्फ एक डिफरेंस है, इस फॉर्मूले को तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपको कम से कम 2 पीरियड्स का डेटा गिवन होगा। अब इसको हम मान सकते हैं ईयर 1 ईयर 2 का डेटा, क्योंकि तभी आप ये डिफरेंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी फाइनेंशियल लीवरेज 2 का मतलब है कि अगर आपके ईबीआईटी में 1% चेंज हो रहा है, तो आपके पीबीटी में या ईपीएस में 2% डबल का चेंज होगा, और वो दोनों डायरेक्शंस में होगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। अब तीसरा हमारा होता है कंबाइंड लीवरेज, जिसको कि टोटल लीवरेज भी कहा जाता है। तो वो किस तरह से काम करता है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, थर्ड वन इज कंबाइंड या टोटल लीवरेज, यानी अगर कंपनी दोनों के इफेक्ट को देखना चाहे, कंट्रीब्यूशन इसके फिक्स कॉस्ट के भी और इंटरेस्ट के भी इफेक्ट को, तो दोनों इफेक्ट देखने के लिए हम निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज, यानी यहां से लेकर के और यहां तक का, जिसमें कि आपकी दोनों फिक्स हमारी एडजस्ट हो गई। तो इसलिए जो हमारा कंबाइंड लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निकालने का कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके कई फॉर्मूले मैं आपको दोनों तीनों बता देता हूं। तो कंट्रीब्यूशन था हमारा इस क्वेश्चन में 4000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1000, तो ये हो गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन अगर आपका 1% बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 4% इंक्रीज हो जाएगा, या कंट्रीब्यूशन आपका जैसे 20% बढ़ेगा तो पीबीटी इसका 4 times 80% इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज दूसरा तरीका इसको निकालने का, ये भी है कि आप ओएल इंटू एफएल कर दीजिए, यानी जो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 2 था, फाइनेंशियल का भी 2 था, 2 into 2 = 4 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर ये आ जाएगा। और एक तीसरा फॉर्मूला भी है इसका, वो फॉर्मूला क्या है, वो है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास अवेलेबल हो, ईपीएस, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन पीबीटी कितना था, 80% था, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना था, 20% था, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। यानी आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, योर आंसर विल बी सेम। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, यहां पे हमें ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि अगर आप अपनी सेल्स में 20% का चेंज करेंगे तो
तो आपका जो ईपीएस है या पीबीटी है या पीएटी है उसमें 4x 80% का चेंज आ जाएगा। अब इसका यूज कैसे करती है कंपनी वो भी हम समझते हैं। इसका यूज कंपनी इस तरह से करती है कि सपोज एक कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई हम अपनी जो सेल्स है या हम अपना जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम 10% बढ़ाना चाहते हैं। तो इस प्रॉफिट को अगर 10% बढ़ाना हो तो हमें अपने ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा या हमें अपनी सेल्स में कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा। अब आपको प्रॉफिट से अगर ईबीआईटी तक जाना है तो बीच में कौन है? फाइनेंशियल लिवरेज बैठा हुआ है। और अगर आपको यहां से यहां तक जाना है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? ऑपरेटिंग लिवरेज बैठा हुआ है। तो अगर आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% बढ़ जाए तो फाइनेंशियल लिवरेज आपका तो आपका ईबीआईटी कितने परसेंट होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं कि फाइनेंशियल लिवरेज भी 2 है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी हमारा 2 आया है। तो जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको डिवाइड का साइन यूज करना है, यानी 10 / 2 5%। यानी अगर आप अपने ईबीआईटी को 5% बढ़ा देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 10% बढ़ जाएगा। और अगर आप सेल्स में चेंज देखना चाहते हैं तो 5 / 2 2.5%। यानी अगर आप 2.5% अपनी सेल्स बढ़ा देते हैं 2.5% तो उससे ईबीआईटी तो 5% बढ़ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या ईपीएस है वो 10% बढ़ जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें, हम ये जानना चाहें कि भाई हम अपनी जो सेल्स है उसको 5% बढ़ा देते हैं तो उससे हमारे ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? ईपीएस कह लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तीनों एक ही बात है, उनमें क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर हमें ऊपर से नीचे आना होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे से ऊपर जाना हो तो डिवाइड का यूज करते हैं। तो अगर आपको 5% आपकी सेल्स बढ़ती है तो उससे आपका जो ईबीआईटी है वो कितना बढ़ेगा? 5, और ऑपरेटिंग लीवरेज हम 2 मान रहे हैं तो वो 10% बढ़ जाएगा। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज को भी हम 2 माने तो आपका जो ये हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना बढ़ जाएगा? ये 20% बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप कि बिजनेस का मालिक सिर्फ ये जानना चाहता है, अगर मान लो ये जानना चाहे कि भाई 20% प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे कितनी सेल्स बढ़ानी है, तो यहां से हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया कि 20% प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको सेल्स में सिर्फ 5% चेंज करना है। तो आपको जो अपनी सेल्स टीम है उन्हें बाकी सारी कहानी कुछ नहीं सुनानी, आपको उन्हें सिर्फ इतना कहना है भाई सेल्स को 5% बढ़ा दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो इन दिस वे दीज आर द यूजेस ऑफ द लिवरेजेस। तो लिवरेज का जो हमें यूज है, अब कंबाइंड लिवरेज निकालने का एक और खास रीजन होता है, वो क्या रीजन होता है? देखिए कोई कंपनी, अगर किसी कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है तो ऐसी कंपनी को फाइनेंशियल लिवरेज कम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर किसी कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी ने एक दुकान है वो भी किराए पे ले रखी है तो उसका किराया भी फिक्स कॉस्ट हो गया, और उसने उसमें जो माल भरा हुआ है दुकान में वो भी लोन लेकर के भरा हुआ है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट देना है, तो उसके पास दोनों ही फिक्स कॉस्ट हो गई। तो अगर आपकी दोनों ही फिक्स कॉस्ट बहुत हैवी होंगी, यानी आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्यादा होगा, आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी ज्यादा होगा, तो ऐसी कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। सेल्स में थोड़ा सा भी चेंज आने पर कंपनी उसको या बिजनेस उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो आपको फाइनेंशियल लिवरेज को कम रखना चाहिए, और अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, तो आप फाइनेंशियल लिवरेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो कंबाइंड लिवरेज हमें यही बताता है कि किस तरह से हमें थोड़ा बैलेंस करके रिस्क को मैनेजेबल लिमिट्स में रखें सो डेट कि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। तो आई होप आपको पूरा लिवरेज का कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मुलेशंस कैसे बने हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या उसके यूजेस हैं, ये सब आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।